फ्रेंड, क्या आपके भी इंस्टाग्राम पर ये प्रॉब्लम आ रहा है? अगर फ्रेंड आप अपने इंस्टाग्राम पर कोई भी रील को पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास ये वाली प्रॉब्लम आ रहा है और आप फ्रेंड इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड ये प्रॉब्लम बहुत सारे यूजर के पास आ रहा है। अगर फ्रेंड आपके पास भी आ रहा है और आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड लास्ट में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका जो ये प्रॉब्लम होगा 100% ठीक होगा ही होगा, तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीका से इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। तो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल पर पहली आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले फ्रेंड आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में आके यहाँ पे फ्रेंड आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम करके यहाँ पे सर्च कर लेनी है। जैसे सर्च कीजिएगा तो देख सकते हो यहाँ पे अपडेट आ रहा है। इसी तरीका से आप में भी अपडेट आया होगा। अगर अपडेट आया होगा तो सिंपल सा यहाँ पे अपडेट वाले के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको अपडेट कर लेनी है। ये हुआ सबसे पहला तरीका फ्रेंड इसे ठीक करने के लिए। अब फ्रेंड आपको करना क्या है दूसरा तरीका अब मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड आपको सिंपल सा करना क्या है, अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इंस्टाग्राम का जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आ रहा है। सिंपल सा इसको क्लिक करके रखना है और उसके बाद यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है ऐप इन्फो, आपको सिंपल सा ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीका का पेज ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है क्लियर डाटा, आपको सिंपल सा क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो दो पॉपअप आया बाहर। इस सबसे फर्स्ट वाले पे जो लिखा हुआ है क्लियर ऑल डाटा, सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसका जो डाटा होता है पूरा डाटा को क्लियर कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड अगर फिर भी आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है ये दो तरीका को करने से, तब फ्रेंड आपको करना क्या है, सिंपल सा फ्रेंड आपको अपने इंस्टाग्राम के फिर से एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीका से आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कोने में प्रोफाइल का ऑप्शन है, सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करनी है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीका का पेज ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो कोने में थ्री लाइन दिया हुआ है, सिंपल सा इस थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे फर्स्ट में देख सकते हो लिखा हुआ है सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। इस बार आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है सजेस्टेड कॉन्टेंट, आपको सिंपल सा सजेस्टेड कॉन्टेंट के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। इस बार आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो टिक नहीं किया हुआ है सिंपल सा पोस्ट इन फील्ड, आपको सिंपल सा इसको यहाँ से टिक कर देना है, यानी कि इसको ऑन कर देना है। इससे होगा फ्रेंड आपका जो ये प्रॉब्लम होगा ठीक हो जाएगा। अगर फ्रेंड फिर भी आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है ये सब कर देने के बाद भी, अब फ्रेंड मैं आपको लास्ट बताता हूँ कि लास्ट आपको क्या करना है। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो आपको सिंपल सा फ्रेंड यहाँ से बैक हो जाना है। अब फ्रेंड आपको फिर से यहाँ पे थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करके रखना है और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो सबसे फर्स्ट में फिर से आपको यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है हेल्प, आपको सिंपल सा इस हेल्प वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस बार सबसे फर्स्ट में देख सकते हो लिखा हुआ है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, इसके ऊपर क्लिक करनी है और देख सकते हैं यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे रिपोर्ट प्रॉब्लम विद शेकिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर एक पेज ओपन होगा कुछ इस तरीका का। अब आपको यहाँ पे इंक्लूड एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है अपलोड, अब फ्रेंड यहाँ पे आपको अपना प्रॉब्लम का एक फोटो स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिंपल सा स्क्रीनशॉट आपको लेके रखना है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है अपलोड, सिंपल सा अपलोड के ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ से आपको अपने गैलरी से यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है उसका एक स्क्रीनशॉट
ले लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा स्क्रीनशॉट को ले लेता हूँ और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। अब फ्रेंड यहाँ पे आपको रिपोर्ट लिखना है एक इंस्टाग्राम टीम को ताकि ये जो प्रॉब्लम है आपका जल्दी से जल्दी ठीक कर सके। तो सिंपल सा यहाँ पे मैं पहले से नोट पैड पे नोट करके रखा हूँ, मैं सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर फ्रेंड आप भी यही टाइप करना चाहते हैं तो फ्रेंड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे कॉपी करके आप भी इस प्रॉब्लम को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट कर देने के बाद फ्रेंड इतना सारा करके अपलोड कर देने के बाद और यहाँ पे टाइप कर देने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल से यहाँ पे सेंड वाले के ऊपर क्लिक कर देनी है। और जैसे ही सेंड वाले के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये इंस्टाग्राम के जो टीम होता है उसके पास चला जाएगा। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, ये सब कर लेने के बाद फ्रेंड अगर आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो रिपोर्ट करके फ्रेंड आपको जो है 48 घंटे का वेट करना है और आपका जो 48 घंटा के बाद होगा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाता है। अगर फ्रेंड आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको कुछ देखने के लिए मिला और आपका आईडी ठीक हो गया तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।